वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इनके शरीर में ऐसा क्या है जिससे इनका शरीर काफी विशाल बन जाता है और बाद में इसका उपयोग इंसानों पर किया जा सके। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार सांप एक बार में अपने से बड़ा शिकार भी निगल सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप अपने नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघता है। अपनी जीभ से सांप अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी पूरी चमड़ी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या आपको पता है अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रजाति एनाकोंडा के सामने इंसानों की बलि देती है ताकि वो उसे खा सके और फिर दोबारा उनके कबीले के लोगों पर हमला ना करे। ज्यादातर वो बाहर से आए हुए लोगों को पकड़कर उनकी बलि देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि सांप बेरे होते हैं। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला अंधविश्वास है। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा यानी कि झिकझेक बनाकर दौड़े। सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा।